तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते, अभिनंदन और ढेर सारा आभार। क्या लग रहा है कि सच में लवेरिया पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे कोई सोनू है, कोई मोनू है। इतना ज्यादा अंधेरा है ना कि घुसने में भी डर लग रहा है। सोनू है नहीं ना जी। इस हिरण्य पर्वत की बात करें तो इस पर्वत के एक छोर पे आपको मकबरा देखने को मिलेगा। आप मेरे हाथों को देखिए, वहाँ पे आपको अगर जूम कीजिएगा थोड़ा तो वहाँ आपको एक मकबरा देखने को मिलेगा, और अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ ना बहुत सारे प्रेमी युगल आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बिहार शरीफ के जिस मकबरे के बारे में आपको बता रहा था वो जस्ट मेरे पीछे है। 1353 ईस्वी में इब्राहिम साहिब का मकबरा यहीं पे बनाया गया था। तो चलिए अंदर चल के आपको मकबरे का व्यू दिखाते हैं। और ऐसे बिहार से जो है ना पहले पाल डायनेस्टी की राजधानी भी हुआ करती थी। और यहाँ आपको अंदर मकबरे में जाने के लिए सबसे पहले अपना जूता चप्पल जो भी है उसे उतारना होगा। और इसके आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिल गया कि दरगाह बनाया गया। अभी मैंने आपको इब्राहिम साहिब का मकबरा दिखाया, और अगर आप देखेंगे तो इसके पास में एक छोटा सा मकबरे का साइज और दिया गया है, और ये काफी प्राचीन काल में बना हुआ है। आप देखेंगे तो ये पूरी जमीन जो है कब्रिस्तान के नाम से है। और इसी के पास में, जहाँ तक मुझे याद है मेरे बचपन की बात, कि पहले यहाँ पे कबड्डी हुआ करता था, स्पेशली रक्षाबंधन के दिन। तो रक्षाबंधन के दिन और मकर संक्रांति के दिन पे यहाँ मेला लगता है, 5 जनवरी पे भी लगता ही है। तो अभी ये होता है या नहीं होता है कमेंट करके अगर कोई बिहार से होंगे तो मुझे एश्योर कीजिएगा। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको बिहार शरीफ का पूरा व्यू काफ़ी बेहतरीन नज़र आएगा। अभी तो कोहरा है, ठंड का मौसम है, साफ तो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे व्यूज होता है ना भाई साहब, बहुत जबरदस्त होता है। अभी हम देखेंगे तो हम बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत के सबसे टॉप वाले क्षेत्र पे आ गए हैं। और इस टॉप पे आने के बाद अगर आप उधर देखेंगे पूरा आपको खेत खलिहान नजर आएगा। और देखेंगे तो बिहार शरीफ से जो बाहर का रास्ता है, जो कि बख्तियारपुर इधर रांची और नवादा का जो होता है, वो वाला रास्ता आपको पीछे नजर आएगा। और अगर आप शांति का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप आए और कुछ देर इधर आके बैठ सकते हैं, आपको काफी अच्छा अनुभव होगा। और कहते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो कहीं अकेले में जाके जरूर बैठना चाहिए, मेरे अनुभव के हिसाब से। और कभी कभी कहते हैं ना, मोहब्बत जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में, ऐसे ही आ जाइएगा पहाड़ों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पहाड़ी के एक छोर पे आपको मकबरा देखने को मिलेगा, वहीं दूसरे छोर पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो मंदिर स्थित है, एक मंदिर में बजरंगबली विराजमान है तो दूसरे मंदिर में महादेव विराजमान है। और इस मंदिर का नाम हिरणेश्वर धाम रखा गया है। और यहाँ अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल यहीं उतारने होंगे। तो चलिए पहले हम अपना जूता चप्पल उतार लेते हैं।
तो इससे पहले मैंने आपको महादेव का नव निर्मित मंदिर दिखाया, और ये है पुराना वाला मंदिर जिसमें बजरंगबली विराजमान है। और इस मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे, और बहुत सारी धार्मिक फोटोज भी देखने को मिल जाएंगी। और यहीं पे हिरण्य पर्वत कुछ खत्म सा हो जाता है, इसके बाद पूरा ढलान है, और यहाँ पे कुछ गार्डन एरिया है, तो चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं। तो यही था आपका पूरा हिरण्य पर्वत, जिसको मैंने पूरे तरीके से ब्रीफ किया जितना अच्छा से मैं कर सकता था। बाकी विशेष आप इतिहास में पढ़ पाएंगे इसके बारे में। तो चलिए अब चलते हैं घर।